एक और बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे, जहां अवैध अंग्रेजी शराब की 102 पेटियां जब्त की गई हैं। मंदिर हसौद इलाके में फिर से बरामद हुआ है अवैध शराब का जखीरा। अनोखे तरीके से की जा रही थी शराब की तस्करी, खेत में पैरा से ढकी पड़ी मिली अंग्रेजी शराब, जिसमें चंडीगढ़ में बनी है जब्त शराब। कल ही बागबाहरा थाना पुलिस ने छापामार कार्रवाई की, जिसमें मंदिर हसौद इलाके के ही दरबा गांव में छापामार कार्रवाई में ये अंग्रेजी शराब को जब्त किया गया है। 380 पेटियां बताई जा रही हैं। होली के पहले लगातार सामने आ रही शराब तस्करी के मामले, जिसमें पुलिस प्रशासन भी हैरान रह गया कि आखिर इतनी पाबंदियों के बावजूद भी, इतनी पहरेदारियों के बावजूद भी इस तरीके के जखीरे बरामद हो रहे हैं। और पहले उत्तर प्रदेश और अब चंडीगढ़ की शराब जब्त हुई है, बड़ी मात्रा में इसे जब्त किया गया है। दूसरे राज्यों की शराब पहुंच रही है छत्तीसगढ़, लेकिन पुलिस प्रशासन भी इस पर अंकुश नहीं लगा रहा है, अपनी कार्रवाइयों को लेकर लगातार छापेमारी कर रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हेमंत शर्मा मैसर लाइव जुड़ गए। हेमंत, एक बड़ा जखीरा पुलिस ने बरामद किया है शराब का, हालांकि समय समय पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन अंकुश लगाने में अभी भी ऐसा लग रहा है कि जब भी एक बड़ा जखीरा बरामद होता है इसके बाद फिर कोई सामने आ जाता है। फिलहाल ये सफलता कैसे मिल पाई है पुलिस को? देखिए बुशरा, सबसे पहले तो बाहरी राज्यों से छत्तीसगढ़ में जो अवैध शराब का जखीरा है वो बड़ी मात्रा में पहुंच रहा है। पिछले 3 या 4 दिनों के घटनाक्रम की बात की जाए तो 4 मार्च को देर रात देवपुरी इलाके से टिकरापारा पुलिस ने एक ट्रक से 175 अंग्रेजी शराब की पेटियां जब्त की थी। उसमें ये बात निकलकर सामने आई थी कि जो शराब है वो उत्तर प्रदेश में बनी है, हरियाणा के रास्ते से वो पूरी जो शराब है वो लाई जा रही थी, और एक ट्रक ड्राइवर को उस समय गिरफ्तार किया गया था। उसमें एक चीज का और पता चला था कि यहाँ पर बार बार उस ट्रक के माध्यम से तस्करी होती थी और अलग अलग ड्राइवरों के माध्यम से हर बार यहाँ पर शराब पहुँचता था। उसके बाद कल बागबहरा पुलिस को ये सूचना मिली कि मंदिर हसौद इलाके के दरबा गांव में बड़ी मात्रा में शराब रखी गई है। जब पुलिस ने छापा मारा तब एक सरपंच पति के घर से 380 पेटियां अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की गई। वहां पर ये बात निकलकर सामने आई थी कि जो शराब है चंडीगढ़ में बनी है। उसके बाद उसी दिन यानी कल रात को मंदिर हसौद इलाके की पुलिस को सूचना मिली कि दरबा और नकटी गांव के बीच खेत में बड़ी मात्रा में अवैध शराब पड़ी हुई है, और अनोखे तरीके से उस पूरी शराब को छिपाया गया था, पैरा से ढका गया था शराब को, इसलिए ढका गया था ताकि किसी को पता न चले। लेकिन गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी और फिर मौके पर छापा मारकर पुलिस ने वो 102 पेटियां जब्त की है। जिस तरीके से लगातार जो अंग्रेजी शराब की जो पेटियां जब्त हो रही है, अंग्रेजी शराब जब्त हो रही है, निश्चित तौर पर गंभीर सवाल पुलिस प्रशासन और सरकार पर यहाँ पर खड़ा होता है। सरकार ने लाख दावे किए थे और जिला प्रशासन ने भी बात कही थी कि बाहरी जो शराब है वो अब छत्तीसगढ़ में नहीं आ रही है, उसको रोकने के लिए उपाय किया जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से ये लगातार कार्रवाइयां हो रही है और जो जिस तरीके से अंग्रेजी शराब जब्त हो रहा है, तो ये नजर आ रहा है कि अभी भी छत्तीसगढ़ में बाहरी राज्यों से बड़ी मात्रा में जो अवैध शराब है वो यहाँ पर आ रही है। पूरी बात की जाए तो चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश से जो अभी तक जो शराब जब्त हुआ है चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में बनी है, तो निश्चित तौर पर सोचने की जरूरत है कि आखिरकार जो अवैध शराब बाहरी राज्यों से आ रहा है उसको कैसे रोका जाए। कार्रवाई जरूर होती है, लेकिन उसके बावजूद जो अवैध कारोबार है शराब का वो नहीं रुक रहा है। हेमंत, जैसा कि ऐसा नहीं है कि पुलिस को सफलता नहीं मिल रही हो, लगातार प्रयास कर रही है, कार्रवाई अपनी नहीं रोक रही है और सफलता भी हाथ लग रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि पहले उत्तर प्रदेश और अब चंडीगढ़, जो रास्ते हैं छत्तीसगढ़ में शराब का जो बड़ी खेप है उसे लेकर आया जा रहा है, इस पर क्यों नहीं अंकुश लगा पा रही है पुलिस? क्योंकि लगातार कोशिश तो कर रही है, सफलता भी मिल रही है, लेकिन जो रास्ता है छत्तीसगढ़ में पहुंचने का उसे क्यों नहीं बंद कर पा रही है?
सफलता के मायने अगर देखा जाए तो पहले शराब छत्तीसगढ़ पहुंच रही है, छत्तीसगढ़ में खपने के बाद कुछ मात्रा में ही जो शराब है वो जब्त हो रही है, जबकि पहले ये देखा जाता था कि छत्तीसगढ़ में एमपी की ही शराब यहां पर पहुंचती थी, लेकिन अब एमपी के अलावा उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ तक के शराब यहां पर आ रहे हैं। और देखा जाए तो बड़े बड़े त्योहारों के पहले ये पुलिस लाख दावे करती है, खासतौर पर होली का दो दिन बाद होली है और होली के मद्देनजर पुलिस ने अपनी चौकसी बढ़ाई थी और इसीलिए कार्रवाई हो रही है, लेकिन जो अधिकतर जो शराब अभी जब्त हुई है वो होली में खपाने के लिए यहाँ पर लाया गया था। पुलिस को अब तक जांच में इस बात की पुष्टि हुई है और जांच में पुलिस को अब तक ये पता चला है कि जितनी भी शराब अभी तक जब्त हुई है वो सब होली में खपाने की तैयारी थी। मतलब ये समझ सकते हैं कि अवैध कारोबार होली में करने की यहाँ पर साजिश चल रही थी। लेकिन इसमें एक और प्रश्न ये खड़ा होता है कि अगर यहाँ पर जो बाकी राज्यों की शराब पहुंच रही है तो यहाँ पर ऐसा कौन सा तस्कर है शराब का जो यहाँ पर शराब मंगवा रहा है, क्योंकि पुलिस तो सिर्फ पर जहाँ से शराब आ रही है उसी आरोपी को गिरफ्तार कर रही है, लेकिन यहाँ कौन वो शराब का तस्कर है और कौन ऐसा बड़ा आरोपी है जो यहाँ लगातार बाहरी राज्यों से अवैध शराब मंगवा रहा है? जी, फिलहाल इस कार्रवाई की अगर बात की जाए तो 102 पेटियां जब्त की गई हैं जो चंडीगढ़ से बड़ी खेप पकड़ी गई है, लेकिन क्या इस शराब की पेटियों के अलावा जो काले कारोबारी हैं उन्हें भी कोई गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ में कुछ खुलासे हो पाए हैं? देखिए, जब बागबहरा पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कल किया था एक पिकअप के साथ जिसमें शराब की पेटियां जब्त हुई थी, उसके बाद जब पूछताछ आरोपियों से किया गया तो बागबहरा आप करिएगा मंदिर हसौद इलाके के दरबा गांव में वहां पर शराब होने की बात की पुष्टि हुई थी, उसके बाद छापा मारकर वहां से 340 से अधिक जो अंग्रेजी शराब की पेटियां हैं वो जब्त की गई थी, और उसके बाद जो अंग्रेजी शराब की जो और 102 पेटियां जब्त हुई है देर रात, वो एक ही कनेक्शन उसका यहाँ पर सामने नजर आ रहा है, क्योंकि जिन आरोपियों को बागबहरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है वो अभी महासमुंद कस्टडी में है और मंदिर हसौद इलाके की पुलिस उस संबंध में उन आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर पूछताछ कर सकती है, क्योंकि दोनों जगह की जो शराब जब्त हुई है वो एक ही ब्रांड की है और दोनों जो शराबे हैं शराब की पेटियां हैं वो चंडीगढ़ में ही बनी है, तो पुलिस को ये शक है कि जो आरोपी बागबहरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है वही उसी का कनेक्शन इस जब्त शराब में हो सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हेमंत। अगली खबर जहां बीजेपी चुनाव समिति